जो वक्ता होता है वो श्रोता को ऊपर उठा के ले आता है। टेस्ट तभी आएगा जब विरोधाभासी गुण आएंगे और आपस में आकर टकराएंगे और उसमें से चिंगारियां निकलेंगी। और भगवान ही स्वयं रस है, रसो वैसा, भगवान स्वयं रस है, तो इसका मतलब भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण, भगवान की शिक्षाएं, वो भी रस ही हैं। श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद के 18वें अध्याय के 14वें 14th श्लोक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो हम प्रभुपाद का पुरपोट भी चर्चा के अंदर ही ले लेंगे और फिर इस पूरे श्लोक को हम एक शब्द के ऊपर लेके आएंगे कि आखिर इस पूरे प्रपोर्ट का, इस पूरे श्लोक का मैसेज क्या है, सेंट्रल मैसेज। और फिर हम बात करेंगे कि आखिर उसकी क्या आवश्यकता है उस शब्द की। तो श्लोक इस प्रकार है, को नाम त्रिपेद रसवित कथायाम महत्तम एकांत परायणस्य नान्तः गुणानाम अगुणस्य जगमुर योगेश्वराय भवपाद पद्म मुख्या। और इसका अनुवाद प्रभुपाद ने इस प्रकार दिया कि जो परम भगवान श्री कृष्ण है, गोविंदा, वो सभी महान्त लोगों के, जितने भी बड़े बड़े लोकपाल, प्रजापति, पूरे संसार को बनाने वाले तक जो लोग हैं, उनके एकमात्र आश्रय हैं। और उनके दिव्य गुणों की जो गिनती है कि कौन गिन सकता है, उनके दिव्य गुणों की गिनती जो है वो बड़े बड़े देवी देवता जैसे शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, जो कि योग शक्तियों के स्वामी हैं, वो भी उनको गिन नहीं सकते। तो जो रसज्ञ हैं, जो रसवित हैं, जो कि रस का आस्वादन करने में दक्ष हैं, जो क्या वो कभी ऐसे भगवान के गुणों के बारे में, इन भगवान से संबंधित विषयों के बारे में सुनने से कभी उनको तृप्ति प्राप्त हो सकती है? मतलब कभी तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती। किसको तृप्ति प्राप्त हो सकती है? मतलब है किसी को तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो यहाँ पर कई महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं और हम देखेंगे कि यहाँ पर कितना विरोधाभास जो हैं हमारे जो डिवोटीज हैं, जो आचार्य हैं, वो लेके आ रहे हैं। तो ये प्रसंग क्या चल रहा है? प्रसंग चल रहा है कि सूता गोस्वामी सभी लोगों को, जो वहाँ पे साधु महात्मा इकट्ठे थे, उनको भागवतम कथा सुना रहे हैं जो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुनी थी। और उन्होंने अभी एक प्रसंग ख़त्म किया परीक्षित महाराज का, कि किस प्रकार परीक्षित महाराज ने दंड दिया था कली को। तो अब ये जो श्लोक है, ये वहाँ पे उपस्थित जितने भी साधु महात्मा हैं वो ये श्लोक बोल रहे हैं सूता गोस्वामी को। अपनी भावनाओं को भी दिखा रहे हैं, अपनी भावनाओं के बारे में भी बता रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि हम लोग तो यज्ञ करने में लगे हुए थे, स्वाहा स्वाहा, और यज्ञ करते करते आंखें खराब हो गई, शरीर काले पड़ गए, मुंह काला पड़ गया, लेकिन सुख नहीं मिल रहा था। आपने जैसे ही आके भागवतम कथा सुनानी शुरू की, भगवान की कथा सुनानी शुरू की, इमीजिएटली सारा सीन चेंज हो गया। इमीजिएटली हम लोग जो है उस सुख की तलाश में, जिस सुख की तलाश में हम लोग ये यज्ञ इत्यादि कर रहे थे, वो सुख हमें अनायास ही प्राप्त हो गया, हमें आपकी दया से। और वो कह रहे हैं हमें सुख तो प्राप्त हो गया, लेकिन तृप्ति भी नहीं हो रही, लेकिन तृप्ति भी नहीं हो रही। तो विरोधाभासी गुण चलते हैं, भगवान कृष्ण के साथ में हर चीज़ विरोधाभास में आएगी। अगर विरोधाभास नहीं है तो जो रस है, रस आप देखेंगे हमेशा विरोधाभास में आता है। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितमृत में बता रहे हैं, अंतर्लीला में, जहाँ पे कि वो श्रीमती राधा रानी के भावों को ही व्यक्त कर रहे हैं। अगर आपने श्रीमती राधा रानी की क्या भावनाएं हैं अगर जानना है, तो चैतन्य चरितमृत अंतर्लीला पढ़ो। वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भावनाएं व्यक्त किए जा रहे हैं एक के बाद एक।
श्रीमती राधा रानी की, तो जाके हमें समझ में आएगा कि आखिर चल क्या रहा है, करना क्या चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, और कितना बड़ा गैप बीच में खड़ा हुआ है। उससे प्रेरणा मिलेगी हमें कि हम एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आएगी कि हाँ हमें तेज़ी से कदम उठाने चाहिए। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो इतनी इतनी एकदम खोलते हुए गन्ने का रस है। अब खोलते हुए गन्ने का रस जो है इसी में विरोधाभास आ जाता है। जब गन्ने का रस खोलता हुआ होगा तो उसका टेस्ट कैसा रहेगा? टेस्ट तो मीठा ही रहेगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जो रस है खोलता हुआ गन्ने का, इक्खू रस, इसको मैं जब अपने होठों से लगाता हूँ मेरे होठ जल जाते हैं, जब जीवा पे छूता हूँ उसको रस को तो मेरी जीवा जल जाती है, गला जल जाता है, जब उसको पीता हूँ तो पूरे अंदर का सारा शरीर मेरा जल जाता है। अरे तो छोड़ते क्यों नहीं, वो इतना टेस्टी है, छोड़ा नहीं जा रहा। विरोधाभासी गुण आ रहे हैं, विरोधाभासी गुण आ रहे हैं। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु अंतर्लीला में बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो कृष्ण का जो विरह है वो तो एक सांप के विष की तरह मेरे पूरे शरीर को जलाया जा रहा है, लेकिन मृत्यु भी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि भगवान की कथामृत रूपी अमृत भी साथ में ऊपर गिर रहा है, वो भी पिए जा रहे हैं, तो मर भी नहीं पा रहे। तो विरोधाभासी गुण साथ में चलेंगे हमेशा, हमेशा विरोधाभासी गुण साथ चलेंगे। अगर एक ही पैटर्न चल रहा हो ना तो उसके अंदर टेस्ट नहीं आता। टेस्ट तभी आएगा जब विरोधाभासी गुण आएंगे और आपस में आकर टकराएंगे और उसमें से चिंगारियां निकलेंगी, तो फिर कुछ दर्शनीय दृश्य, दर्शनीय रस उपस्थित हो जाएगा। ये बेसिकली कहने का भाव है। और यही विरोधाभास इस श्लोक में भी दिखा रहे हैं, जो इसकी तीसरी लाइन है, न अंतम गुणानाम अगुणस्य जगमुर, कि गुणानाम अगुणस्य, अब ये दोनों बातें एक साथ नहीं आ सकती। अगर अगुणस्य है तो फिर गुणा नाम का क्या पॉइंट है? अगर गुण ही नहीं है, अगर निर्गुण है, तो फिर भाई किस गुणों की बात कर रहे हैं फिर हम? तो विरोधाभास आ जाता है। अगर हम ये विरोधाभास अगर हम देख लेंगे तो फिर रस का आस्वादन करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो रही है, गुणा नाम अगुणस्य, कि जब अगुणस्य की बात कर रहे हैं, अगुणस्य का मतलब है गुणहीन नहीं है, अगुणस्य का मतलब है कि भगवान के जो गुण हैं वो भौतिक नहीं है, दिव्य हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इसकी जो ट्रांसलेशन है अगुणस्य की, अगर आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद इसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ट्रांसेंडेंस, दिव्यता। ये दिव्यता जो है ये भगवान कृष्ण के गुणों की, भगवान कृष्ण की विशेषता है। इसी के ये दिव्यता के अंदर, जैसे ही हमने बोला कि भगवान कृष्ण के गुण दिव्य हैं, तो उसके साथ कई एट्रीब्यूट्स, कई क्वालिटीज़ इसके साथ में आके जुड़ जाती हैं। वो क्वालिटीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर जब सारे साधु महात्मा बोल रहे हैं कि कौन तृप्त हो सकता है, हम तृप्त नहीं हो पा रहे। अब इसके विरोधाभासी जो है, इसके विरोधाभास में भगवान कृष्ण खुद ही बोल रहे हैं, भगवद गीता 10:9 में, मत चिता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अब भागवत में बोल रहे हैं कि तृप्त नहीं हो सकते, और यहाँ पे बोल रहे हैं तुष्यन्ति च रमन्ति च, कि जब डिवोटीज मेरे बारे में बात करते हैं, जब मेरे बारे में बात करते हैं तो उनको बहुत सुख का अनुभव होता है, बहुत संतोष का अनुभव होता है। तो अब यहाँ पे विरोधाभास आ गया। एक जगह कह रहे हैं कि सुख का संतुष्ट हो जाते हैं, एक बार कह रहे हैं कि कौन संतुष्ट हो सकता है, कौन संतुष्ट हो सकता है। तो हमें ये हमेशा समझना पड़ेगा कि दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। चैतन्य भागवत में हमें प्रसंग मिलता है
पुंडरीक विद्यानिधि और स्वरूप दामोदर गोस्वामी का। और पुंडरीक विद्यानिधि जो है वो समय पुरी में थे उस समय, और पुंडरीक विद्यानिधि ने एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे, तो वो देख रहे थे कि जो जगन्नाथ जी के सेवक हैं उनको मांड लगा हुआ, स्टार्च लगा हुआ जो है वस्त्र उनको ऑफर कर रहे थे। तो शास्त्रों की आज्ञा यही है कि जो मांड लगा हुआ वस्त्र ऑफर नहीं करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे शुरू से ऑफर किया ही जा रहा था, भगवान को अर्पित कर रहे थे वहाँ पर। तो जब सार्वभौम भट्टा जब पुंडरीक विद्यानिधि ने देखा कि ये तो मांड लगा हुआ कपड़ा जो है भगवान को चढ़ाए जा रहे हैं, भगवान को पहना रहे हैं ये, तो उन्होंने कहा ये तो ठीक नहीं है। लेकिन किसी को कुछ बोला नहीं, अपने मन में विचार किया, घर आ गए। और रात में जब वो सो रहे थे तो उनके सपने में जगन्नाथ जी और बलदेव जी दोनों आए, और दोनों आए, दोनों उनकी छाती पे चढ़ गए पुंडरीक विद्यानिधि की। और पुंडरीक विद्यानिधि कौन है अगर आपको कुछ पता हो तो? पुंडरीक विद्यानिधि जो है वो बेसिकली वृषभानु है। वृषभानु कौन है? वो श्रीमती राधा रानी के पिताजी हैं। तो बहुत ही उच्च स्थिति है उनकी, इसीलिए तो भगवान को सपने में आ गए। और भगवान ने दोनों जगन्नाथ जी और बलदेव जी ने उनको बोला, तुमने आखिर जो वस्त्र मुझे पहनाए जा रहे हैं तुमने उसकी आलोचना कैसे कर दी, तुमने क्रिटिसाइज कैसे कर दिया? और दे दनादन उनको थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। अब वो सपने में हो रही थी सारी चीज़ें सपने में हो रही थी, दे दनादन थप्पड़ मार रहे हैं। और स्वरूप और पुंडरीक विद्यादेव ने बोला कि 48 मिनट तक मेरे को थप्पड़ मारते रहे वो, 48 मिनट तक। और फिर जब मैं सुबह उठा, मुझे तो लगा चलो स्वप्न में चल रही है बात, मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए था। और लेकिन जब सुबह उठे उन्होंने अपना मुंह देखा, शीशे में देखा, पूरा सूजा हुआ था क्योंकि चांटे पड़े थे भगवान से, पूरा मुँह सूजा हुआ था। तो फिर वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी से मिले और स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बोला कि अब कहे बिना रहा भी नहीं जा रहा और कहने में भी बड़ी शर्म आ रही है। तो स्वरूप दामोदर ने बोला क्या हो गया, तुम्हारा मुंह कैसे सूज गया भाई, क्या चल रहा है? तो उन्होंने फिर पूरा वृतांत बताया। तो पूरा वृतांत सुन के दोनों पुंडरीक विद्यानिधि और स्वरूप दामोदर गोस्वामी खूब जोर जोर से हंसे। और वहाँ पर ये श्लोक आया, हे न मते दुई सखा भासे न संतोषे, कि इस प्रकार से दोनों जो भाई हैं, सगे भाई नहीं थे, चैतन्य महाप्रभु के सौजन्य से उनके संबंध के चलते भाई बन गए थे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि हे न मते दुई सखा भासे न संतोषे, रात्र दिन न जाने न कृष्ण कथा रसे। और उनको संतोष तो मिल रहा था, आपस में बात कर रहे थे, संतोष मिल रहा था, लेकिन कृष्ण कथा में साथ ही साथ वो दिन कब हो गया, रात कब हो गई, पता ही नहीं चल रहा उनको, ना जाने कुछ समझ नहीं आ रहा कब कब दिन हो गया, कब रात हो गई। वो तो अपने जो है अविरत भाव से वो आपस में भगवान कृष्ण की लीलाएं, चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम्स आपस में डिस्कस किए जा रहे हैं, आपस में डिस्कस किए जा रहे हैं। ये बात जो है हमें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अनेक भागवतम से उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार जो है डिवोटीज वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते। और वो बोल रहे हैं, वयम तू ना वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यृण्वताम रसाज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। भागवतम 1:19 के अंदर बता रहे हैं, जो डिवोटीज बोल रहे हैं, भगवान के भक्त बोल रहे हैं कि हम लोग भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में सुनकर हम लोग कभी भी संतुष्ट नहीं हो रहे, हम लोग कभी भी संतुष्ट नहीं हो रहे। और वो कौन है? भगवान उत्तम श्लोक विक्रम है। भगवान जो है जिनके कार्यकलाप बिल्कुल असाधारण है और जिनकी बिल्कुल चुने हुए उत्तम श्लोकों से के साथ जिनकी महिमा का वर्णन किया जा रहा है। लेकिन ऐसे कौन लोग हैं जो संतुष्ट नहीं हो पा रहे?
तो ये बोल रहे हैं रसज्ञानाम, जो रस का आस्वादन करने में दक्ष हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये जो सवाल ये उठ रहा है कि ये जो रसज्ञानाम है, रसज्ञानाम का पता कैसे चलेगा? रसज्ञानाम का पता चलेगा कि वो बार 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 जो है वो भगवान की लीलाएं सुनेगा और वही लीला बार बार सुनता रहेगा, फिर भी कभी तृप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट है उसके अंदर से रस निकालने में और आस्वादन करने में। वो रस क्यों निकाल पा रहा है? शिला प्रपात प्रपोर्ट में यहाँ बात कर रहे हैं, वो रस क्यों निकाल पा रहा है? क्यों निकाल पा रहा है? क्योंकि रसो वही सा, शिला प्रपात आंसर दे रहे हैं, रसो वही सा, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं ही रस हैं। भगवान कृष्ण के अंदर रस नहीं है, भगवान कृष्ण खुद ही रस हैं, भगवान कृष्ण खुद ही रस हैं। और इसीलिए शिला प्रपात ने पद्म पुराण का ये श्लोक कोट कर दिया, रमन्ते योगिनो अन्ते अनन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म अभिधीयते, कि जो रसज्ञ व्यक्ति हैं, जो योगी हैं, वो लोग भगवान राम के नाम से या भगवान कृष्ण के नाम से असीमित रस, असीमित सुख को प्राप्त कर लेते हैं उनको। और जब वो असीमित सुख प्राप्त कर लेते हैं तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट होता है? उसका क्या इम्पैक्ट होता है कि परम दृष्टवा निवर्तते, भगवद गीता में बोला परम दृष्टवा निवर्तते। जब उनको हायर टेस्ट मिल जाता है तो फिर वो लोअर टेस्ट को छोड़ देते हैं, फिर वो उनके लिए प्रासंगिक, उनके लिए रेलिवेंट नहीं रहता वो। फिर तो जब उन्होंने एक बार भगवान की लीलाओं का अमृत पान कर लिया, उसके बाद तो बात ख़त्म हो जाती है, फिर वो आगे किसी और विषय में, भौतिक समाज में ध्यान लगाने में उनका कोई रुचि नहीं रहती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि हमारी भौतिक विषय में कोई रुचि है, कोई आसक्ति है, तो फिर इसका अर्थ यह है कि अभी हम भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का आस्वादन अभी हम कर नहीं पा रहे। क्योंकि यदि हम आस्वादन कर पाएंगे, फिर हम जब हम घी से बिल्कुल चुपड़ी हुई घी टपक रहे, ऐसी जब हमें जो है रोटी खाने को मिल रही है, तो फिर सूखी लकड़ी को कौन चबाएगा? कोई चबाना नहीं चाहेगा, कोई चबाना नहीं चाहेगा। इसीलिए रूपा गोस्वामी ने ये श्लोक लिखा कि जिसमें एक गोपी दूसरी गोपी को कह रही है, देखो तुम बंशी, तुम केशी घाट पर मत जाना अगर तुम्हें अपने परिवार से प्रेम है तो। तो सखी ने पूछा, क्यों ना जाऊँ केशी घाट पे अगर मैं अपनी फैमिली से प्रेम कर रही हूँ? परिवार से प्रेम करना अलग बात है, केशी घाट जाना अलग बात है। तो गोपी ने बोला, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर केशी घाट पे वो श्याम सुंदर कृष्ण त्रिभंगी मुद्रा में खड़े होकर वंशीवादन कर रहे हैं, अगर तुमने उनको देख लिया तो फिर तुम अपने परिवार से प्रेम नहीं कर पाओगे। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चलती। अगर कोई बोले कि दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, साथ साथ नहीं चल सकती। तेल और पानी आपस में कभी मिक्स नहीं हो सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर हमें भौतिक विषयों में रस आ रहा है, इसका मतलब अभी हमने भगवान की जो नाम रूप गुण लीला का जो रस है, अभी हम उसको छू नहीं पाए। अभी हम उसे बेसिकली काफ़ी दूर खड़े हुए हैं हम, और जब कभी छू पाएंगे तब आप देखेंगे कि आप लोगों के अपने क्रियाएं, आपके अपने विचार, बिल्कुल चेष्टाएं, सारे आप लोगों की स्वतः आप लोगों की बदल जाएंगी। ये महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ में बलदेव विद्या भूषण इस बारे में बहुत ही हमें बलदेव विद्या भूषण बहुत ही एप्ट, बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण दे रहे हैं ताकि हम इसको समझ पाएं। तो जब बात कर रहे हैं कि कौन संतुष्ट होगा, कोई संतुष्ट नहीं हो सकता,
लेकिन ये बात समझने में बड़ी मुश्किल है कि कोई संतुष्ट नहीं होगा। अरे कभी तो एक लिमिट आएगी ना, जब हम खाना खा रहे हैं तो कभी तो मतलब पेट भर ही जाता है, कभी तो स्वाद लगना बंद हो जाएंगी चीज़ें। तो आखिर इसको कैसे समझे, तो बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक मछली पानी से कभी तृप्त नहीं होती, मछली पूरा जीवन पानी में रह के बिता देती है, वो कभी उसको ऐसा नहीं लगता वो थक गई पानी में पड़े पड़े, पानी से बाहर निकलना चाहिए, मछली ऐसा नहीं सोचती। मछली हमेशा पानी के अंदर ही संतुष्ट और सुखी रहेगी। इनफैक्ट मछली को हम पानी से बाहर निकालेंगे तो तड़पना शुरू कर देती है। और दूसरा उदाहरण वो दे रहे हैं कि जिस प्रकार एक नवयुवक है, वो अपनी प्रेमिका की मुस्कान को देख के कभी उसका मन नहीं भरता, उसकी प्रेमिका मुस्काती रहेगी, अलग अलग एंगल से उसको हंस के दिखाती रहेगी, वो ये नहीं बोलेगा अरे भाई थक गया देख देख के आ तेरी मुस्कान को, अब बस कर भाई, अब कुछ और काम करने दे, ऐसा कभी नहीं होता। एक जो नवयुवक है वो कभी भी अपने प्रेमिका को देखकर उसका मन नहीं भरेगा, उसको हमेशा जो है उसमें से कुछ ना कुछ उसको आनंद की प्राप्ति होती रहेगी, सुख मिलता रहेगा उसको। और तीसरा उदाहरण बलदेव विद्याभूषण दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार जब तक हमारे पेट में अग्नि रहेगी, भूख रहेगी, प्यास रहेगी, तब तक हमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन हमें स्वादिष्ट लगते रहेंगे। एक्चुअली में वो व्यंजन स्वादिष्ट हैं या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, अगर भूख है तो स्वादिष्ट लगेंगे, अगर भूख भूख नहीं है तो टॉप मोस्ट रसोइये का बना हुआ व्यंजन लेके आ जाओ, अच्छा ही नहीं लगेगा क्योंकि पेट में भूख नहीं है। तो इनफैक्ट हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि जो टेस्ट है वो टेस्ट पकवान में नहीं होता, टेस्ट भूख के अंदर होता है। अगर भूख है तो टेस्ट लगेगा, कोई भी सूखी रोटी खाओगे टेस्ट लग जाएगा, अगर भूख नहीं है तो 56 भोग हैं वो बेसिकली फीके हमें सामने लगने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से भागवतम के एकदम शुरुआत में बोला है, जो भगवान की लीलाएं रस से भरी हुई हैं, 1-1-3 में ही बोला है कि जो एक्सपर्ट लोग हैं, रसिका, जो रसिक लोग हैं वो भगवान की लीला रूपी जो रस है उसका निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, वो कभी उनका मन नहीं भरता। और यहाँ पे वो एक बात और लेके आ रहे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बात क्या लेके आ रहे हैं, वो बात ये लेके आ रहे हैं कि जो भगवान की लीलाएं तो रस मतलब स्वयं रस है ही, तो अगर ये भी समझना पड़ेगा कि क्योंकि भगवान का नाम रूप गुण लीला भगवान से अभिन्न है और भगवान ही स्वयं रस है, रसो वही सा, भगवान स्वयं रस है, तो इसका मतलब भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण, भगवान की शिक्षाएं वो भी रस ही हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें रस है, वो भी रस ही हैं क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है। जब वो भगवान से भिन्न है तो इसका मतलब उनके अंदर भी वही क्वालिटीज़ हैं जो भगवान के अंदर हैं, वही क्वालिटीज़ लेके चल रहे हैं जो भगवान के अंदर हैं। तो उन क्वालिटीज़ को, वो क्वालिटी क्या है कि वो स्वयं ही वो भी रस ही हैं। अब सवाल ये है कि वो रस हैं लेकिन उसका आस्वादन करने की शक्ति कहाँ से मिलेगी, उसका आस्वादन करने की शक्ति मिलेगी। भागवतम 1-1-3 में बोला है कि शुक मुखात अमृत, कि शुक मुखात, कि जो सुखदेव गोस्वामी हैं उनके मुख से जब ये जब उन्होंने उच्चारण किया इन लीलाओं का तो और अधिक जो है उनका रस और अधिक बढ़ गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने भगवान की लीलाओं का, भगवान की गुणों का, अगर हमने उसके रस का आस्वादन करना है तो हमें भक्तों की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक भक्त है कि वो भक्त खुद ही सुबह से शाम तक दिन रात 24 घंटे पूरा जीवन भगवान का गुणगान करने में लगा देता है। क्यों लगा देता है, कोई मजबूरी नहीं है, उसको अच्छा लग रहा है, उसको अच्छा लगता है भगवान के गुणों का वर्णन करना, भगवान के बारे में बात करना। और ऐसे भक्त से जब हम सुनेंगे तो जो बीमारी उसको है भगवान की लीलाओं का रस आस्वादन करने की, वही बीमारी हमें भी लग जाएगी।
वही बीमारी हमें भी लग जाएगी, हम भी उस रस का आस्वादन करने के बेसिकली अधिकारी बन जाएंगे। तो अगर हमें रस का आस्वादन करना है तो हमें भक्तों का संग करना पड़ेगा, और ऐसे भक्तों का संग करना पड़ेगा जो कि रसज्ञ हैं, जो कि रसवित हैं, जो कि रसिका रसिक भक्त हैं, जो जिनको भगवान की लीलाओं का आस्वादन करने में सुनने में जिनको अच्छा लग रहा है, और जो 24 घंटे भगवान की लीलाओं का भगवान की शिक्षाओं का आस्वादन किए जा रहे हैं, ऐसे डिवोटिस का जब हम संग करेंगे तो हम भी उस रस का आस्वादन करने के आसपास पहुंचेंगे। जो वक्ता होता है वो श्रोता को ऊपर उठा के ले आता है, वो श्रोता को ऊपर उठा के ले आता है। वक्ता में ताकत होती है, शब्दों के अंदर ताकत होती है। भगवान के बारे में जब बात की जाती है, गुरु परंपरा की शक्ति, चैतन्य महाप्रभु की शक्ति, श्री श्री राधा कृष्ण की शक्ति निवेशित हो जाती है उसके शब्दों में, और उनमें वो शक्ति आ जाती है कि श्रोता को ऊपर उठा के ले आते हैं। लेकिन उसके लिए जो श्रोता है, श्रोता को भी अपना योगदान देना पड़ेगा, श्रोता को भी पूरे मनोयोग से वो सुननी पड़ेगी बात। भागवतम 10:52 के अंदर भी यही बात कही गई है, कौनु तृप्येण श्रृण्वानः, कि कौन तृप्त होगा सुनने से, श्रुतज्ञो नित्य नूतना, कि जो श्रुतज्ञ है, जो सुनने में एक्सपर्ट है। जैसे हमें बात की कि श्रोता को भी अपना सहयोग देना पड़ेगा, पूरे ध्यान से उसको सुनना पड़ेगा। अगर श्रोता ध्यान से नहीं सुनेगा तो फिर उस बात को अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा। इसीलिए नोट्स बनाने में ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना चाहिए, हमें ज़्यादा ध्यान शिक्षा दी जा रही है, जो वक्ता बोल रहा है उसको ध्यान से सुनने में हमें अपना मन देना चाहिए। और फिर कोई एक दो शब्द आप लिखते रह सकते हो, वो चलो अलग बात है, लेकिन आपने अगर कुछ समराइज़ करना है तो लेक्चर के बाद में आपको जैसे चीज़ें याद आ रही हैं उसको आप लिख सकते हो। और वैसे भी आजकल सारे जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं वो सब इंटरनेट पे अवेलेबल हो ही जाते हैं, तो आपने अगर आपको नोट्स बनाने अगर अच्छा लगता ही है तो आप बाद में दोबारा सुन के नोट्स बना सकते हो। लेकिन जब आप वक्ता के सामने बैठे हो और लेक्चर सुन रहे हो तो उसमें पूरा ध्यान जो है वो हमें कथा के श्रवण में लगाना चाहिए, ताकि हम उस पर अच्छी तरह से मनन कर सकें और उसका आस्वादन कर सकें। तो श्रुतज्ञों, जो सुनने में बहुत एक्सपर्ट हैं, जो सुनने में बहुत एक्सपर्ट हैं, तो यहाँ पर जो रस है और रस की एक क्वालिटी का वर्णन आ गया यहाँ पर, और वो जो क्वालिटी है वो क्वालिटी भगवान की कथा में कैसे आ गई, क्योंकि भगवान की कथा भगवान से अभिन्न है, अभिन्नत्वान नाम नामिनु, भगवान की कथा अभिन्न है। तो वो कौन सी क्वालिटी है, तो भगवान की एक क्वालिटी है नित्य नूतना, कि भगवान हमेशा फ्रेश रहते हैं। हम भगवान के विग्रह की ओर जितना मर्जी देखते रहें और जितने मर्जी दिनों तक वर्षों तक हम देखते रहें, कभी मन नहीं भरेगा। भगवान हमेशा नित्य नूतन, भगवान हमेशा फ्रेश बने रहते हैं। इसीलिए तो जो ब्रजवासी हैं, जो गोपी हैं, चाहे वृद्ध हैं, चाहे भगवान के समवयस्क गोपी हैं, वो भगवान को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, अपनी आँखों के प्यालों से पिए जा रही हैं, लेकिन तृप्ति नहीं हो पा रही। इनफैक्ट वो भगवान को भी पूरा देख नहीं पाती, भगवान के एक अंग को देखते हैं और उसी पे उनका मन इतना डूब जाता है कि भगवान को पूरी तरह से वो देख नहीं पाते। लेकिन उनके मन में ये संतोष होता है, चलो आज हम कृष्ण के पूरी तरह से हम कृष्ण को देख नहीं पाए, चलो कृष्ण कहाँ जाने वाले हैं, कृष्ण तो हमें कल फिर दिख ही जाएंगे, तो जो हम आज नहीं कर पाए वो हम कल कर लेंगे, कल हम पूरी तरह से दर्शन कर पा लें कर लेंगे। लेकिन वो कल भी नहीं कर पाती, वो अगले दिन भी नहीं कर पाती, वो अगले दिन भी नहीं कर पाती, और लेकिन उनके मन में ये आशा बनी रहती है कि चलो कल फिर कर लेंगे, कल फिर आएगा, कल फिर कर लेंगे, अगला दिन फिर चढ़ेगा, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे। लेकिन बीच में ऐसा दुर्भाग्य खड़ा हो गया कि अक्रूर जी आ गए
और अक्रूर जी भगवान कृष्ण को लेकर मथुरा चले गए। तो जो गोपियाँ हैं वहाँ पर अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं, लेकिन उसमें एक बात उन्होंने ये भी बोली कि हम तो सोच रहे थे चलो कल पूरी तरह से हम कृष्ण के दर्शन कर लेंगे, लेकिन हाय हमारी वो आशा अब अधूरी रह गई, अब पता नहीं ये आशा कब पूरी होगी, पूरी होगी या नहीं होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें आज ही जो है कृष्ण को पूरी तरह से देख लेना चाहिए था, लेकिन हम सोच रहे थे कहाँ जाएंगे ये, हम भी यही हैं ये भी यही हैं, लेकिन हमारे इस आलस्य के कारण ही हमारा ये दुर्दैव सामने आ गया कि हम तो भगवान कृष्ण के, हम तो कृष्ण के एक अंग को ही हम देख पाए, पूरे कृष्ण का तो हम दर्शन ही नहीं कर पाए। तो ये इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य क्या है कि सामने वस्तु थी हम उसको प्राप्त नहीं कर पाए। ऐसा भक्त जो है इसका अपने हृदय में इन बातों को सोचते हैं। अब भागवतम के चौथे स्कंध में महाराज पृथु जो हैं, जब इंद्र से सुलह करवाने के लिए भगवान खुद ही आ गए गरुड़ पर बैठ के, और इंद्र से सुलह करने के बाद में तो भगवान ने बोला कि मेरा दर्शन तो कभी व्यर्थ जाता नहीं है, तो तुम्हें अब मुझसे कुछ वरदान मांगना पड़ेगा, तुम वरदान मांगो मुझे अच्छा लगेगा। तो उस समय पृथ्वी महाराज ने बोला था विदत्स्व कर्ण अयुतम एष मेवरा, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो आप मुझे करोड़ों कान प्रदान कर दीजिए, मुझे आप करोड़ों कान दीजिए ताकि मैं आपके लीलाओं को, ये दो कान पर्याप्त नहीं है आपके लीलाओं को सुनने के लिए, मुझे करोड़ों कान चाहिए। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब एक भक्त रस का आस्वादन करना शुरू कर ही लेता है तो फिर उसको दो कान, एक जीवा, दो नासिकाएं, दो आंखें, उनको फिर पर्याप्त नहीं रहती। रूपा गोस्वामी जी ने जब हरे कृष्ण मंत्र का, जब कृष्ण नाम के उसमें कितना रस है उसकी महिमा का जब बखान किया था, तो रूपा गोस्वामी जी ने बोला था कि जब मैं कृष्ण नाम लेता हूँ तो मेरा, जब कृष्ण नाम मेरे जीवा पर नृत्य करता है तो मेरा मन करता है कि मेरी करोड़ों जीवाएँ हों, क्योंकि एक जीवा से कितना ही नाम ले लूँगा बहुत कमी पड़ रही है, करोड़ों जीवाएँ होनी चाहिए। और फिर जब वो नाम मेरे कानों में प्रवेश करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे करोड़ों कान होने चाहिए, क्योंकि दो कानों से कितना ही सुन लेंगे। और जब वो कानों के माध्यम से जब मेरे हृदय में प्रविष्ट कर जाता है तो मेरी सारी इंद्रियां जो हैं वो स्तब्ध हो जाती हैं, सारी इंद्रियां मेरी शिथिल हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं, कुछ समझ नहीं आता क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। यही भावनाएं श्रीमती राधा रानी भी व्यक्त कर रही हैं, और इस श्लोक को श्री माधवेंद्र पुरी ने रिवील किया था, उसको प्रकट किया था कि अय दीन दयाद्र नाथ है मथुरा नाथ कदावलोके से, कि हे दीन दयाद्र, हे दुखी पर, दुखियों पर कृपा करने वाले स्वामी, मैं आपको नहीं देखने के कारण बहुत व्यथित हूँ, और आपको नहीं देखने के कारण त्वद आलोक हृदय कातरम, मेरा हृदय बहुत कातर हो रहा है, बहुत व्यथित हो रहा है, किम करूँ मैं, हम कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, रोऊँ हंसूँ, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा, आपका विरह इतना प्रबल है कि मुझे कुछ सोचने कुछ समझने का मौका ही नहीं दे पा रहा मुझे। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी का ये श्लोक सुना था, तुंडे तुंडावलिनी, ये जो श्लोक सुना था तो चैतन्य महाप्रभु ने वो श्लोक सारे डिवोटिस को पूरी के इकट्ठा कर लिया और रूपा गोस्वामी को बोला ये श्लोक सुनाओ सबको। तो सबको वो श्लोक सुना रहे थे, तो उस समय रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि जो महान रसज्ञ भक्त हैं उन सब ने एक मत से बात बोली थी कि हमने कृष्ण नाम की महिमा तो बहुत सुनी है, क्योंकि हम भी तो सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं, बहुत सुनी है हमने, लेकिन इस तरह की महिमा हम कभी सुन नहीं पाए, इस तरह की महिमा हम कभी सुन नहीं पाए।
लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण की लीलाएं इतनी रस से भरी हुई हैं, स्वयं ही रस हैं, लेकिन फिर भी लोग भौतिक विषयों में रुचि दिखाते रहते हैं। तो इसी चौथे स्कंद में ही आगे एक श्लोक छोड़कर महाराज पृथु बोल रहे हैं कि कथम गुणज्ञो विरमेद विना पशु, कि विरमेद इसको कौन त्यागेगा, जो गुणज्ञ है, जो कि गुणों के महत्व को समझता है, वो ऐसा व्यक्ति क्यों त्यागेगा, भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनने का अवसर क्यों छोड़ेगा। वो बोल रहे हैं कि पशु, अगर कोई पशु होगा तो ही वो छोड़ पाएगा, एक पशु होगा वही भक्तों के संग को छोड़ पाएगा, और किसी के अंदर ये ताकत ये बुद्धि नहीं है कि वो वैष्णवों के संग को छोड़ दे, वैष्णवों के संग को छोड़ दे। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ से हमें दो बातें समझ में आ रही हैं कि अगर हमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का आस्वादन करना है तो हमें भौतिक जगत से वैराग्य लेके आना पड़ेगा। भौतिक जगत से वैराग्य कैसे आएगा, जब हम भौतिक जगत के दोषों को देखना शुरू कर देंगे। कोई भी वस्तु को देखो जो आपको अच्छी लग रही है, तुरंत अपने मन में उसके दोषों का विचार करना शुरू कर दो, तो आपके मन में उसके प्रति जो आसक्ति है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप उसके दोषों का विचार नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम है, और अगर हम दोषों का विचार नहीं करेंगे तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम लोग सहजिया बन जाएंगे। हम लोग सोचेंगे हो कृष्ण की लीलाएँ सुन के आंसू बहाते रहो, यही परफेक्ट है। वो परफेक्ट नहीं है। हमें भौतिक संसार के अंदर दोष भी दिखने चाहिए। अगर दोष नहीं दिखेंगे तो अभी आंसू बहा रहे हैं, 5 मिनट बाद हम लोग जो है फिर भोग के अंदर लग जाएंगे, तो वो बेसिकली शो बॉटल डिवोशन हो जाएगी, दिखावे के हाथी दांत, और दिखावे के दांत हो जाएंगे। दांत तो बहुत सुंदर हैं लेकिन खाने के काम नहीं आते, और उन हाथी दांतों के कारण ही हाथी की मौत भी हो जाती है। वो हाथी दांतों को प्राप्त करने के लिए मौत हो जाती है। इसलिए अगर हम भक्ति का दिखावा करेंगे, जो हम नहीं हैं वो दिखाने का प्रयास करेंगे, तो वही हमारी भक्ति की मौत का कारण बन जाएगा। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। और दूसरी बात जो हम इस श्लोक से सीख सकते हैं कि हमें भगवान कृष्ण की लीलाओं में टेस्ट नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हम बीमार हैं। तो फिर उसका औषधि क्या है? उसकी औषधि भी यही है कि भगवान की लीलाओं को सुनते रहो बार बार। जब जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, तो मीठी चीज़ कड़वी लगनी शुरू हो जाती है, तो इलाज क्या है? मीठा खाते रहो, टॉफ़ी चूसते रहो, उससे धीरे 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 पीलिया ख़त्म हो जाता है, और जो कड़वी चीज़ है जो कि एक्चुअली में थी मीठी, वो फिर से वापस हमें मीठी लगनी शुरू हो जाती है। सो यहाँ पे अब बात कर रहे हैं कि भगवान की लीलाओं से आखिर कितना अटैच होना चाहिए। बात कर रहे हैं कि भगवान की लीलाओं को सुनते रहना चाहिए, और तो सवाल है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितनी सीमा तक जाएं भगवान की लीला को सुनने के लिए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्त्रिया विटा नाम इवा साधु वार्ता। साधु वार्ता को उसी तरह से उतने ही इंटरेस्ट से सुनना चाहिए जितने इंटरेस्ट से एक जो विषयी व्यक्ति है, जो व्यभिचारी है, वो स्त्रियों के बारे में सुनता है। आप किसी व्यभिचारी व्यक्ति के सामने स्त्रियों की बात करो, तुरंत पूरा उसके दोनों कान आपकी तरफ लग जाएंगे। ऐसे ही उसी मनोयोग से, उसी तीव्रता के साथ में एक भक्त है, उसको भगवान की लीलाओं को सुनना चाहिए। और यही कारण है लोगों को ये मौका देने के लिए कि भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनो, यही हमारे लिए मंगलकारी है। लोगों को सुनने का अवसर देने के लिए ही जो भक्त हैं वो जगह जगह जाकर जबरन लोगों के पास जाकर भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं। हम तो जिससे भी मिलते हैं हम उसको बोलते हैं, आप प्लीज़ हमें अपने घर में बुलाइए,
हम आपके घर में कथा करना चाहते हैं, हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप प्लीज़ हमें अवसर दीजिए कि हम भगवान की लीलाओं का गुणगान कर पाएँ, ताकि उनको भी मौका मिलेगा सुनने का और हमें भी मौका मिलेगा कि हम पढ़ेंगे और भगवान की लीलाओं को वो जो रस है वो हम उनके साथ में उसको शेयर कर पाएंगे, उससे दोनों का फ़ायदा होगा। और इस काम में सुपर एक्सपर्ट कौन है? इस काम में सुपर एक्सपर्ट शिला प्रभुपाद है। शिला प्रभुपाद, ये जो श्लोक है भागवतम का 10:31 कि भूवि घृणंती ये भूरिदा जना, कि जो बहुत दयालु लोग हैं वो जगह जगह जाकर जो भगवान की लीलाएं तब कथामृतम तप्त जीवनम, जो भगवान की लीलाएं जो जो कि इस दवाग्नि में जलते हुए जीव के लिए अमृत के समान है, ऐसी कथा को सुनाने वाला व्यक्ति बहुत ही दयालु होता है। और शिला प्रभुपाद है वो दयालु व्यक्ति। शिला प्रभुपाद जगह जगह गए और शिला प्रभुपाद ने भगवान की लीलाएं हमें कितनी उत्सुकता के साथ, कितने कष्टों का सामना करते हुए, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी शिला प्रभुपाद ज़बरदस्ती उनको भगवान की लीलाएं सुनाते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है इसी से कल्याण होगा। तो अब इसके अगर हम सार की बात करें तो भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, भगवान कृष्ण के जो गुण हैं, भगवान कृष्ण का नाम है, उसको आखिर हम कैसे उसको लगातार सुन पाएंगे? उसको हम लगातार सुन पाएंगे जब हम उसको सुनने का लोभ अपने हृदय में हम विकसित कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। तो ये जो लोभ है, जो लौल्यम है, जिसके बारे में बोला गया तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, कि ये जो लौल्यम है, ये जो ग्रीड है, ये जो लोभ है भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए, आखिर इसकी आवश्यकता क्या है? इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यही एकमात्र कीमत है जो हमें देनी पड़ेगी अगर हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, अगर हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। तो अब यहाँ पे ये सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर हमें कृष्ण प्रेम क्यों प्राप्त करना है? क्या ज़रूरत है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की? सब चीज़ें ठीक चल तो रही हैं। एक्चुअली में अगर हमने साधन भक्ति से रागात्मिक भक्ति में अगर हमने प्रवेश करना है तो हमें कृष्ण प्रेम की आवश्यकता पड़ेगी। कृष्ण प्रेम जब हमारे हृदय में उदित हो जाएगा तो फिर जो काम हम मजबूरी के तहत कर रहे हैं कि करना है, चलो गुरु की आज्ञा है, सीनियर डिवोटीज बोल रहे हैं तो हमें करना चाहिए, करना पड़ेगा, वो कर्तव्य की जो भावना से जब हम कर रहे हैं वो भावना फिर ख़त्म हो जाएगी, फिर तो अपनापन आ जाएगा, फिर तो हमें उसे करने में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो कृष्ण प्रेम हमें इसलिए भी चाहिए कि जब कृष्ण प्रेम आ जाएगा तो फिर हम भक्ति से संबंधित कोई भी काम करेंगे, वही काम हमें अगर हम पोछा भी लगा रहे हैं उसी से सुख मिलना शुरू हो जाएगा, हम कीर्तन कर रहे हैं उसी से सुख मिलना शुरू हो जाएगा, हम आरती कर रहे हैं उससे हमें सुख मिलना शुरू हो जाएगा, फिर कर्तव्य की भावना हमारे हृदय से बेसिकली ख़त्म हो जाएगी। ये जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो लौल्यम है, ये लौल्यम हमें कैसे प्राप्त होगा? ये लौल्यम हमें भक्तों के संग में प्राप्त होगा। इसीलिए तो रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु को बोला था कि भक्ति का जन्म स्थल क्या है? भक्ति का जन्म स्थल भक्तों का संग है। इसलिए भक्तों के संग में, और ऐसा नहीं कि जो माला कर रहा है उसी का संग लेना शुरू कर दो, नहीं, आपको चूज़ करना पड़ेगा, चूज़ करना चाहिए कि कौन से भक्त जो हैं वो सीरियसली गंभीरता से भक्ति के अंगों का पालन कर रहे हैं, उनको रुचि है भगवान की कथा सुनाने में, सुनने में, तो उनसे आप सुनेंगे उनका संग करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इसको विराम देते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, आपने बताया ना लौल्यम, लौल्यम से मैं समझ गई। लौल्यम का मतलब लोभ, ग्रीड।
बहुत ही इंटेंस डिज़ायर, बहुत ही गहन इच्छा, उसको लॉलियम बोलते हैं। जैसे एक माँ की अपने बच्चे की सेवा करने के प्रति होती है ना, तो जब एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, उसका लालन पालन करती है, तो वो लॉलियम कहते हैं उसको। क्योंकि एक माँ की स्वाभाविक इच्छा होती है अपने पुत्र का ध्यान रखने में, पुत्र को सेवा करने में, टाइम पे खिलाने में, हर चीज़ बच्चे का देखभाल करने में। तो वही जो ग्रीड है, वो जो जो गहन इच्छा है, वो इच्छा को हमने निवेशित करना है भगवान कृष्ण की सेवा में। ओके, वो जो लॉलियम है, वो लॉलियम भौतिक विषयों के प्रति आसक्ति है। अगर आप उसको लॉलियम को, उसको अगर आप आचार्यों की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, अगर आप शिला प्रपात का अगर आप वो पढ़ेंगे इसका एक्सप्लेनेशन, तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे जो लॉलियम है वो भौतिक विषयों के प्रति आसक्ति है। इसीलिए तो हमारे आचार्य कह रहे हैं कि जो आसक्ति हमारी भौतिक विषयों में है, बस उतनी आसक्ति को आप भगवान कृष्ण में निवेशित कर लो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने उतनी आसक्ति भगवान कृष्ण की सेवा में निवेशित कर दी, तो उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। हम तो वहाँ पे लॉलियम भौतिक विषयों के ऊपर भुला गया। ओके, साधना हम कैसे बढ़ाएं, तो दामोदर प्रभु का क्वेश्चन है। हाँ बोले। हाँ जी, वही पूछ रहे हैं, साधना कैसे बढ़ाएं, साधना कैसे बढ़ाएं, है ना। तो साधना कैसे बढ़ाएं, साधना आप बढ़ा सकते हैं, जैसे हमने अभी बात किया कि भक्तों का, ऐसे भक्तों का संग करके जो कि अच्छी साधना कर रहे हैं। अगर आपको अच्छी चैंटिंग करनी है, तो ऐसे भक्तों का संग कीजिए जो अच्छी चैंटिंग कर रहे हैं, जिनको पता है कि अच्छा जप होगा कैसे, उसके पीछे क्या सिद्धांत चल रहा है। तो उस सिद्धांत को जब वो ध्यान में रख के जप करेंगे, तो अच्छा जप होगा। अगर आपको रीडिंग, अगर आपको ग्रंथ पढ़ने में रुचि बढ़ानी है, तो ऐसे भक्तों का संग करो जिनकी रुचि है रीडिंग करने में। वो अलग अलग ग्रंथों को पढ़ेंगे, और वहाँ से जब आपके साथ डिस्कशन करेंगे, आपके मन में आएगा ओ वाओ ये बहुत अच्छा है, तो फिर आपके मन में भी स्वाभाविक रूप से ये भाव आ जाएगा कि चलो हम भी ग्रंथों को पढ़ते हैं। जैसे मैं जब भी किन्हीं भक्तों से कोई डिस्कशन करता हूँ, तो वो नए नए ग्रंथों के बारे में बताते हैं, या किसी ऐसे ग्रंथ के बारे में बताते हैं जिसके बारे में मुझे पता था लेकिन भूल गया था, तो मैं तुरंत जाके उन ग्रंथों को ढूंढता हूँ और उनको पढ़ना शुरू कर देता हूँ। तो उससे मुझे भी वो एक भगवान के बारे में एक नया दृष्टिकोण भी प्राप्त हो जाता है, और वो पढ़ने से खुद को अच्छा भी लगता है। तो ऐसे ही आप जिस नवदा भक्ति में, जिस भी दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे भक्तों को ढूंढिए जो कि वो काम अच्छे से कर रहे हैं, और उनका संग कीजिए। ठीक है। ओके, प्रभु जी मेरे वैसे दो तीन क्वेश्चन है, मैं आपसे एक एक करके पूछती हूँ। पहले तो ये है प्रभु जी, मेरे को हमेशा सरप्राइज पृथु महाराज के स्टोरी में वो भगवान जी से श्रवणम के लिए कहते हैं, मेरे इतने काम हो मैं शुद्ध भक्तों का से आपकी कथाओं का श्रवणम कर सकूं। तो ऐसे ही प्रहलाद महाराज जी और भागवतम में जितने भी महान भक्त हैं, उन्होंने एकदम से क्यों नहीं बोला कि हमें गोलोक जाना है आपके साथ, मतलब वो, मतलब दिस इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो गोलोक नहीं जाना चाहते हैं और वो यहीं पे रह के भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि डिवोटिस का गोल ही नहीं है गोलोक जाना। गोलोक जाने की इच्छा तो एक डिवोटी के लिए काफ़ी निकृष्ट इच्छा होती है। इसीलिए आप देखेंगे दामोदरष्ट का मैं बोल रहे हैं, वरम देव मोक्षम ना मोक्षम वदिम्बा, कि मोक्ष तो चाहिए ही नहीं। जो मोक्ष की अवधि है कि हमने आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर लिया, वैकुंठ में या गोलोक धाम में प्रवेश कर लिया, वो भी नहीं चाहिए।
वो उसकी भी इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मम जन्मनी जन्मनीश्वर है, वो क्यों, वो ये कह ही नहीं रहे कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे वैकुंठ में जाना है, नहीं मैं यहाँ पे बड़ा परेशान हूँ। डिवोटीज ऐसी ऐसी मतलब शुरू में बहुत अच्छा लगता है, और हम लोग भी लोगों को बोलते हैं कि देखो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि यहाँ पे देखो चारों तरफ कष्ट ही कष्ट है, बाहर निकलना चाहिए, मोक्ष की भावना हृदय में लेके आओ, वैकुंठ जाएंगे वहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, वो अच्छा है। तो शुरू में हम ही लोगों को ये बात बोलते हैं कि वैकुंठ जाने की इच्छा अपने हृदय में लेके आओ, लेकिन जब एक भक्त परिपक्वता को प्राप्त होता है, जब आगे बढ़ता है, तो उसको ये पता चल जाता है कि हम आखिर हम ये इच्छा क्यों करें कि हमें भगवत धाम जाना है, हमें गोलोक जाना है। हम अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में निवेशित कर देंगे, हम तो भगवान को अब ये बोलना शुरू कर देंगे कि आप बताओ क्या करना है, वो काम करूँगा। अगर वो काम भौतिक जगत में रह के करना पड़ेगा तो यहीं पे रहता रहूँगा, यही गोलोक है मेरे लिए। अगर आप बोलोगे चलो आ जाओ भाई वहाँ पे, तो मैं सहर्ष चला भी जाऊँगा, लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे क्या मैं गोलोक जाना चाहता हूँ, तो मैं गोलोक जाना या नहीं जाना मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। एक भक्त बोलेगा मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि भगवान मुझसे क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं ये बोलूँ कि मैं गोलोक जाना चाहता हूँ, तो फिर उसमें डिवोशन कहाँ है, उसमें तो मैं आ गई कि मैं भगवत धाम जाना चाहता हूँ, तो ये भी भोग है। इसीलिए तो शिला रूपा गोस्वामी ने बोला था भुक्ति मुक्ति स्पृहायावत पिशाची हृदय वर्तते, और इस पर श्री वल्लभाचार्य जी ने ऑब्जेक्शन कर दी थी कि आपने मुक्ति को कैसे पिशाची बोल दिया। तो फिर जीवा गोस्वामी ने उनको बताया था कि वो मुक्ति को पिशाचनी नहीं कह रहे, हम गोलोक ऐसा नहीं कि गोलोक कोई खराब जगह है इसलिए हम नहीं जाना चाहते, गोलोक बहुत अच्छी जगह है, लेकिन वहाँ जाने की इच्छा वो बहुत खराब है, क्योंकि वहाँ जाने की इच्छा करने का मतलब है हम अभी अपने बारे में सोच रहे हैं। एक डिवोटी अब अपने बारे में सोचना बंद कर देता है, एक डिवोटी ये सोचता है कि भगवान क्या चाहते हैं, भगवान की क्या इच्छा है, जो भगवान की इच्छा होगी वो करूँगा, जो भगवान की इच्छा होगी कुछ भी हो जाए कितना ही सुख मिलेगा नहीं करूँगा वो काम। और यही जो भावनाएं यही भगवान को परम संतुष्ट करती है। आप कोला विचा श्रीधर देख लो, कोला विचा श्रीधर बिल्कुल भूखे नंगे गरीब, एकदम झोपड़ी टूटी हुई, कपड़े फटे हुए, लोटा टूटा हुआ, लेकिन फिर भी जब चैतन्य महाप्रभु ने बोला सप्त प्रहरी लीला में कि मांगो मुझसे कुछ, तो उन्होंने बोला आप लड़के मुझसे चीज़ें मेरा छीन के ले जाते थे, मेरा सामान, मुझे तो बस आप ऐसी दया करो कि वो छवि मेरे हृदय में रहे आपकी। कोई मटेरियल बेनेडिक्शन, भगवत धाम जाने की इच्छा भी वो भी एक भक्त मटेरियल गिनता है जो परिपक्वता को प्राप्त हो जाता है। ये ऊपर के लेवल की बात है, इसीलिए कोई भी जो परिपक्व भक्त है वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं आपके धाम जाना चाहता हूँ, वो हमेशा यही सोचेगा कि कैसे भगवान को संतुष्ट करूँ, कैसे भगवान को संतुष्ट करूँ, इसी में पूरा जीवन वो अपना निवेशित कर देता है वो। ठीक है, ये आपने ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि इसके ऊपर कई घंटे बोलते रह सकता हूँ। प्रभु जी, कभी फिर प्रभुपाद जी ने क्या हम लोगों को देखा कि हम उस लायक नहीं है, तभी हमें बोला गो बैक टू नो गॉड हेड, हमें गोलोक धाम जाना है, इसी जन्म में वी हैव टू फिनिश दिस बिजनेस एंड वी शुड गो, क्या उनको ऐसा लगा कि हम ऐसे कभी बन ही नहीं पाएंगे इस लायक, कि हम ऐसे लेवल पे सोचे कि हम चाहे जहां भी रहे? नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि जो भक्ति की शुरुआत मुमुक्षु से होती है, अभी तो हम भौतिक विषयों में आ सकते हैं, परम दृष्टवा फिर हम लोगों को बोलते हैं यार इससे बेटर भी कोई जगह है, वहाँ जाओगे तो बहुत सुख से रहोगे, तो हृदय में उसके प्रति एक आसक्ति की भावना खड़ी कर देते हैं कि भगवान के धाम जाने से बहुत अच्छा रहेगा, तो स्वर्ग आदि क्रॉस करके भगवान के धाम जाने की इच्छा पहले ले आते हैं, वो इच्छा लेके चलो आगे बढ़ो।
जब वो इच्छा लेके आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे प्योरिफिकेशन होगी, तो हमें पता चल जाएगा ये इच्छा बेकार है। तो शीला प्रभुपाद ने हमें एक लॉलीपॉप दिया, जैसे हम छोटे बच्चों को नहीं बोलते कि तुम होमवर्क कंप्लीट कर लो तो तुम्हें एक टॉफ़ी देंगे, या तुम्हें आइसक्रीम खिलाएंगे, या ये इंजेक्शन लगवा लो तो हम तुम्हें आइसक्रीम देंगे, तो वो बच्चा जो है वो काम को कर लेता है। लेकिन वो टॉफ़ी या आइसक्रीम देना जो है वो कोई टॉप मोस्ट बात नहीं है। बात यह है कि आपने वो जो एजुकेशन लिया, जो बच्चे ने पढ़ाई की, उससे एक लेटर लाइफ में जाके बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन सोसाइटी के अंदर ले लेगा। तो शिला प्रभुपाद ने हमें एक वो लॉलीपॉप दिया कि भाई ये लॉलीपॉप लो, और ये लॉलीपॉप लेके अब इसको चूसना शुरू कर दो, और जब आपको टेस्ट आएगा तो आप यहाँ पे कदम बढ़ाना शुरू कर दोगे, फिर प्योरिफिकेशन होगी, प्योरिफिकेशन होगी तो अपने आप आपके दिमाग में अब भगवान के धाम जाने की इच्छा भी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए जहाँ पे प्रभुपाद ने ये बात बोली कि गो बैक टू गॉड एट, अब प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु भी हमें दिया, प्रभुपाद ने हमें चैतन्य चरितामृत भी अनुवाद करके टीका के साथ दे दी, जिससे कि हम देख सकते हैं कि वेल वो बिगनर्स के लिए, और जो एडवांस हो जाएंगे वो अब इस तरह से सोचना शुरू कर देंगे, तो हमारे हृदय में एडवांसमेंट करने की, भक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा और ज़्यादा वो प्रेरणा आ जाएगी, तो आगे चलना शुरू कर देंगे हम। तो प्रभुपाद ने तो ही, प्रभुपाद तो सुपर एक्सपर्ट है ना, प्रभुपाद को पता है कि कैसे लोगों को भक्ति में एंगेज करना है, इसीलिए प्रभुपाद ने लाखों करोड़ों लोगों को एंगेज कर दिया और आज भी कर रहे हैं। ओके प्रभु जी, एक और आपसे पूछना था, जैसे हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उसमें से एक तो होता है फिलोसफिकल एस्पेक्ट अबाउट भगवान, एक होता है सिंपल लीलाएं, सिंपल लाइक कृष्णा बुक की लीलाएं, तो उसमें से हर किसी में सेम स्वाद नहीं आ पाता है, तो इसका मतलब हमें हमारी भक्ति में कुछ कमी है, क्या हम करें? सब में इक्वल नहीं आता है, एक में ज्यादा आता है एक में कम आता है। श्रवण 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 ऐसे भक्तों से सुनो जो कि भगवत गीता में से रस निकाल के दिखाएगा आपको। जैसे अभी हमने भगवत गीता का श्लोक लिया 10:9, हमने उसमें से रस निकाला और हमने उसको भागवतम चैतन्य चरितामृत से जोड़ के, हमने चैतन्य भागवत से जोड़ा, हमने उसको देखा। तो ऐसे डिवोटीज़ के साथ एसोसिएशन करो जो कि वो रस निकालने में एक्सपर्ट हैं, तो जाके दिमाग चलना शुरू होगा आपका, अपने आप से नहीं चलेगा, अपने आप से किसी का नहीं चला, आपका भी नहीं चलेगा। अपने आप से आप कितना ही कोशिश कर लो, जो लेवल पे हो उसी लेवल पे रहोगे मोर और लेस, बहुत स्लो प्रोग्रेस होगी। लेकिन अगर आप जो ऐसा नहीं, जो सीनियर डिवोटी का मतलब नहीं है जिसको 25-30 साल हो गए, सीनियर डिवोटी का मतलब है जो जो अच्छे से रीडिंग करके, जो एक थोड़ा सा लेवल उसका ऊपर हो गया, वो अब बातों को समझ पा रहा है, उसने सिद्धांत को ग्रैस्प कर लिया, उसने समझ लिया, ऐसे भक्तों का संग करोगे तो बात बनेगी। फिर अपने आप से नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। इसलिए बोला है महत पाद रजोभिषेकम, कि सीनियर भक्तों का गुरु की एसोसिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाते हम।